पीलीभीत के थाना गजरोला के ग्राम खाग में इन दिनों एक आदमखोर सांड ने तो ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। बता दें कि आदमखोर कई लोगों को अपने आक्रमण का शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। किसान होरीलाल रेवाराम ने मानो जैसे अपनी मौत को गले लगा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों व उसके पुत्र पीड़ित राजपाल ने जिला अधिकारी व वन विभाग से इस आदमखोर से न्याय की गुहार के लिए सरकारी दरवाजा खटखटाया। वहां भी ग्रामीणों परिजनों को निराशा और दुख ही हाथ लगी। मृतक पुत्र राजपाल ने बताया कि परिजनों द्वारा इस घटना की जानकारी गजरोला थाने में दी। ऐसे में देखना यह है कि आखिर इस योगी सरकार में भी आला अधिकारी अभी भी सूत निधि हो रहे हैं। आखिर कौन इस सांड से ग्रामीणों को निजात दिला पाएगा, जिससे पीड़ित जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, जानना चाहेंगे क्या हुआ है, किस तरह की घटना हुई है, क्या हुआ पूरा मामला? शाम को मेरे पिताजी घर पे थे, ठीक है। जब मैं बाजार से आया तो पिताजी मेरे बाग में गए थे, ठीक है, रखाने के लिए। तभी आदमखोर महासांड आ गया, ठीक है, चारपाई पे लेटे हुए थे। तभी ने उसने घुटेला मारा, तब ये नीचे गिरे। पेड़ पे चढ़ना चाहा तब पेड़ पे नहीं चढ़ पाए। तभी उसने पीछे वाली जांग पे हमला कर दिया, तभी वहाँ गिर गए। फिर पेट में उसने सींग मारा, जिससे कि उसके पेट में घुस जाने से उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या कहेंगे, लिखित में आपने शिकायत किया किसी तरह की? हाँ, मैंने डीएम साहब के पास शिकायत की, मगर डीएम साहब ने कुछ नहीं सुनी। वन अधिकारी वाले, क्या नाम है पिताजी आपका? पिताजी का नाम होरीलाल। थाना गजरोला क्षेत्र में एक घटना घटी है सांड को लेके, तो उसमें क्या मामला है? ये थाना गजरोला क्षेत्र अंतर्गत गाँव खाक का मामला है। एक व्यक्ति जो 50 वर्षीय जिनकी उम्र है, होरीलाल नाम के व्यक्ति हैं, ये अपनी बगिया में रखाने गए थे शाम। तो वहीं पे किसी सांड ने इन्हें टक्कर वगैरह मारी है, जिससे इनकी डेथ हो गई थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। इसमें जो इनके जो व्यक्ति मरे हैं, इनके पुत्र के द्वारा जो इसमें तहरीर दी गई है, उसके आधार पर इसमें इत्तफाकिया दर्ज कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। Thank you.